हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिदीप। दिस इज उपासना सिंह और आज हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। जावा में हमारे कितने टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जैक्टली होते ही क्या हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय प्रोग्रामर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, वो प्रोग्रामर्स के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं या फिर उनके द्वारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लासेस हो गए, क्लासेस हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल एरेज और स्ट्रिंग भी हैं। स्ट्रिंग जो है हमारा एक तरीके का बिल्ट इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जब हम अपने वेरिएबल को एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफाइन करते हैं तो वो हमें एक रेफरेंस देता है मेमोरी लोकेशन का, और उस टाइम पे जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और इसी वजह से हम अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफरेंस डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी कहते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नल। लाइक हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, वो नल होती है। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एरे के बारे में। इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है नंबर नाम का, जिसमें हमारे ये नंबर्स स्टोर्ड हैं। अब मैंने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स का डेटा गेट कर लिया, तो सेकंड इंडेक्स पे आता है लाइक 0, 1, 2, 60, एंड 60 को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन एरेज इन अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके गाइस, तो अब हम अपने दूसरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि है स्ट्रिंग। सो आपके दिमाग का पहला सवाल, स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करना है? हमें बस अपनी स्ट्रिंग क्लास को कॉल करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्ट्रिंग दे देनी है। स्ट्रिंग मतलब हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर हमें इसे कैर में बना रहे होते तो हमें एच अलग देना होता, ई अलग देना होता, एल अलग, फिर एल अलग, ओ अलग। पर स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सीधे पूरी पूरी स्ट्रिंग दे सकते हैं और फिर system.out.println का यूज करके इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। कंट्रोल एस किया एंड एज यू कैन सी हमारा हेलो प्रिंट हो गया है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को लेकर, सो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो कोई भी डाउट सॉल्विंग के लिए आप उस चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड फॉर आवर पर्सनल इंटरेक्शन, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी ज्वाइन कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस एंड फॉलो ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल त्रिदीप ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।